हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ हरीश। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले काशीपति एजुकेशन ट्रस्ट के विद्याश्री कॉलेज ऑफ फार्मेसी बेंगलोर कर्नाटक के बारे में, जो कॉलेज आपको यहाँ पर डी फार्मेसी और बी फार्मेसी के लिए डायरेक्टली एडमिशन प्रोवाइड कर रहा है। और डी फार्मेसी के लिए सिर्फ 3,500 रुपये पर मंथ के हिसाब से और बी फार्मेसी के लिए 4,500 रुपये पर मंथ के हिसाब से फीस चार्ज कर रहा है, जो कि बहुत कम है। और आपको इंस्टॉलमेंट भी बहुत ज़्यादा वहाँ पर मिल रहे हैं। जिनका भी इकोनॉमिकल बैकग्राउंड वीक है उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि बाकी सभी कॉलेज के तुलना में यहाँ पर जो भी इंस्टॉलमेंट्स है वो बहुत ही ज़्यादा मिल रहे हैं और फीस भी बहुत कम है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अगर इस कॉलेज से आप फार्मेसी करते हो तो आपको रजिस्टर फार्मासिस्ट का दर्जा मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये किस पर डिपेंड होता है, उस कॉलेज के मान्यताओं के ऊपर, मतलब उस कॉलेज को किस कहाँ से अथॉरिटीज़ मिली है। तो उनकी जो भी अथॉरिटीज है उनके जो भी कॉपीज है मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, जैसे कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस कर्नाटका और डी फार्म बोर्ड एजुकेशन कर्नाटका से भी तीनों जगह से उनको मान्यता है। मतलब इस कॉलेज से अगर आप फार्मेसी करते हो तो आपको रजिस्टर फार्मासिस्ट बनने का पूरा अधिकार है और आप बन जाते हो। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं उस कॉलेज का स्टाफ के बारे में। इस कॉलेज का जो भी स्टाफ है वो पूरा 5 से 20 साल तक के एक्सपीरियंस स्टाफ है वहाँ पर, मतलब वहाँ पर जो भी स्टाफ है वो भी बहुत अच्छा और एक्सपीरियंस स्टाफ है वहाँ पर। उसके बारे में मतलब उस स्टाफ के बारे में और बाकी सभी जो भी डिटेल्स आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, विद्याश्री कॉलेज ऑफ फार्मेसी कर्नाटका बेंगलोर, तो वहाँ पर क्या होगा डायरेक्टली वेबसाइट ओपन हो जाएगी उस कॉलेज के, वहाँ पर सभी ए टू जेड सभी डिटेल्स है, उनसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। स्क्रीन पर भी आपको नंबर दिए है, उस वेबसाइट की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ज़रूर विजिट करें और सभी डिटेल्स ज़रूर रीड कर लेना एक बार। स्टाफ के बारे में बात कर ली, जो भी सभी स्टाफ है उन्होंने बहुत सारे रिसर्च आर्टिकल रेपूटेड जो भी पब्लिशर्स है वहाँ पर नेशनल और इंटरनेशनल पब्लिशर के साथ साथ उन्होंने पब्लिश किए, मतलब स्टाफ भी आपका बहुत ही अच्छा है। उसके बाद हम बात करते हैं अगर वहाँ पर हॉस्टल की क्या सुविधाएं है, मतलब रहने के लिए और खाने के लिए। तो रहने के लिए और खाने के लिए अगर बात की जाए तो वहाँ पर आपको सिर्फ रहना है और खाना खुद से बाहर खाएंगे, आप खुद बनाकर खाएंगे तो आपको 1,500 रुपये देने हैं। और वहाँ पर उनका ही फूड लेते हैं, मतलब हॉस्टल से वहाँ का भी खाना अगर खा सकते हैं, और अगर आपको खाना है तो सिर्फ 4,500 रुपये पर मंथ के हिसाब से वहाँ पर आपको पैसे देने पड़ेंगे। मतलब ओवरऑल जो भी सभी अगर फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे तो बहुत ही अच्छी है, स्टाफ भी अच्छा है, कॉलेज भी अच्छा है और सभी जो भी इक्विपमेंट्स है वो सभी वहाँ पर अवेलेबल है, जैसे कि स्क्रीन पर मैंने उसके जो भी पिक्चर्स आपको वहाँ पर दिखाए। और भी अगर पिक्चर्स दिखने हैं तो आपको क्या करना है, सिर्फ गूगल पर जाकर वेबसाइट को सर्च करना है और सभी जो भी डिटेल्स है वहाँ पर आपको मिल जाएगी सिंपली। और वहाँ पर आप चैट भी कर सकते हैं, ऑनलाइन के जो भी क्वेश्चन है वो भी वहाँ पर सभी सॉल्व हो जाएंगे। सो अगर आपको ज़रूर एक बार ज़रूर कॉल कीजिए, आपके बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, क्योंकि बहुत कम फीस में आपको डिग्री और डिप्लोमा मिल सकता है वहाँ पर और बाकी सभी चीज़ें की भी फैसिलिटीज़ वहाँ पर अवेलेबल है। मुझे ज़रूर बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको अगर हेल्प हुई होगी तो सभी दोस्तों में शेयर कीजिए, जिससे कि उन सभी लोगों को हेल्प हो जाए जो कि फीस स्ट्रक्चर की वजह से और एडमिशन में नंबर ना लगने की वजह से एडमिशन नहीं ले पा रहे, ज़रूर उनको इसका फ़ायदा हो सकता है। और भी कुछ सवाल होगे तो मुझसे भी पूछ सकते हैं, और स्क्रीन पर जो भी बोर्ड वेबसाइट्स है और जो भी ईमेल से उन पर जाकर उनसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वहाँ पर आपको 100% आपको वहाँ पर वो फ्री है और आपको ज़रूर पूरी इन्फॉर्मेशन वो बताएंगे। आपके मन में कोई भी कन्फ्यूजन वो डायरेक्टली पूछिए, मुझे पूछिए और जो भी बोर्ड्स पर सभी जो भी क्वेश्चंस मतलब जो भी नंबर थे उनसे पूछ सकते हैं। आई होप आपको इस वीडियो को बहुत हेल्पफुल लगा होगा, अगर वो हेल्पफुल हुए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, सी यू।